हेलो पीपल, वेलकम बैक टू एसी दिल्ली व्लॉग। दोस्तों, आज मैं आपको दिल्ली के कुछ दुर्गा पूजा पंडाल दिखाने वाला हूं, जहां पे आप काली पूजा यानी दुर्गा पूजा देखने आ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला मंदिर होने वाला है अपना कालीबाड़ी मंदिर, सीआर पार्क। और सीआर पार्क एक ऐसी जगह है जो दिल्ली का छोटा कोलकाता कहा जाता है, जहाँ पे आपको बहुत सारे बंगालीज मिलेंगे। और यहाँ पर बंगाली में जो सबसे मेन पूजा मानी जाती है, दुर्गा पूजा मानी जाती है, तो वो यहाँ पे बहुत ही भव्य तरीके से होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस ब्लॉग को, और पहला आपको सीआर पार्क का कालीबाड़ी मंदिर घुमाते हैं। Dim dum da 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 dim da da dim dum da da dim dum da 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 dim da 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 ni da da ni da na dir da na na da ni da da ni da na dir da na na da na da di ya na ta dim dum da 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 dim da na dim। तो दोस्तों, इसमें देख सकते हो आप लोग कौन कौन से दिन किस किस टाइम पे क्या क्या यहाँ पे होने वाला है। पूरी डिटेल में यहाँ पे लिखा हुआ है, स्टॉप करके आप लोग पढ़ सकते हो, जान सकते हो। और ये जो चलने वाला है यहाँ पे दुर्गा पूजा, 9 से 12 अक्टूबर तक चलेगा। भारत और बांग्लादेश के विभाजन के बाद 1967 में यहाँ पर 218 एकड़ जमीन जो बंगाली शरणार्थी आए थे उनको दी गई थी दिल्ली के अंदर में। और इस जगह का नाम तब से रख दिया गया था चितरंजन पार्क। तो ये जगह तब से ही है, और यहाँ पर बंगाल से आए लोग जब यहाँ रहने लग गए तो उन्होंने कालीबाड़ी मंदिर का निर्माण किया, और तब से ये मंदिर यहाँ पर है, और तब से यहाँ पर पूजा होती आ रही है, और साथ ही साथ यहाँ पर दुर्गा पूजा वगैरह मनाई जाती है। और समय के साथ यहाँ का पूजा काफ़ी भव्य रूप से बढ़ता चला जा रहा है। तो भाई, ये है कालीबाड़ी मंदिर का एंट्रेंस, और यहाँ पे छोटे छोटे स्टॉल्स यहाँ पे अभी लग रहे हैं, अभी तैयारी चल रही है। तो यहाँ पे आपको खाने पीने को बहुत अच्छा अच्छी चीज़ें मिल जाएंगी, जैसे पूरा का पूरा मेला लगता है, तो उस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। बाकी अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा और कैसा, अभी फिलहाल जो मूर्ति लग चुकी है अभी फेस कवर्ड है, बट फिर भी जैसा भी है आप चल के अंदर आपको दिखाते हैं। माता की मूर्ति रखी गई है। तो दोस्तों, दुर्गा पूजा 4 दिनों की मनाई जाती है, जो कि षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी और विसर्जन। तो ये 4 दिनों का त्यौहार होता है। इन 4 दिनों में आप लोग यहाँ पे आके दर्शन कर सकते हैं। सुबह आरती होती है और एक शाम को आरती होती है, दोनों टाइम देवी जी की आरती होती है। और यहाँ पे एंट्रेंस पे ही एक ज्योति लगाई गई है, और बढ़िया सा फूल का सजावट देख रहे होगे आप लोग, तो ये फूल का सजावट यहाँ पे किया गया है। आप लोग आके इसे देखेंगे, फोटोज़ वगैरह खिंचवाएंगे, बहुत सुंदर लगेगा। तो इस दुर्गा पूजा की शुरुआत षष्ठी के दिन शाम को कलश बैठाकर किया जाता है। तो ये अभी सामने पीछे मेरे आप देख रहे होंगे, बढ़िया से जो मेन माता की मूर्ति लगी हुई है, इसका जो फेस कवर्ड है अभी फेस मतलब रिवील करेंगे, और वो षष्ठी के दिन शाम को कलश बैठाने के साथ ही किया जाता है। और यहाँ पे सुबह शाम दोनों टाइम पे आरती तो होती है, मैंने आपको बताया, और उसी टाइम पे पूजा के दौरान यहाँ पे धुनोची नाच होता है। धुनोची नाच बंगाली कल्चर में एक बहुत ही स्पेशल डांस है, जिसमें वो हाथ में एक कलश टाइप का रहता है, और उसके अंदर वो धुआं आग या नारियल के छिलकों से जलाया जाता है। वो बहुत ही यूनिक होता है, वो आप लोग आके देखेंगे, वो आपको बहुत अच्छा लगेगा, उम्मीद है। तो ये देखो, बहुत ही सुंदर इस पंडाल को सजाया गया है। यहाँ पर आपको झूमर देखने को मिलेंगे, बहुत ही प्यारे प्यारे झूमर हैं, स्कैंडलर कहते हैं ना इसको। और ये देखो कितना बढ़िया से डिज़ाइन किया गया है, रेड कलर, रेड एंड वाइट का ये थीम रखा गया है यहाँ पे। और ये हमेशा ही रेड एंड वाइट थीम रहता है, क्योंकि माता को रेड कलर पसंद है, तो उसी कलर के हिसाब से बनाया जाता है, और ये बहुत ही बढ़िया लगता है। और यहाँ पर बीच बीच में स्टॉल्स लगाए गए, स्टॉल नंबर दिया गया है, यानी बहुत सारी फैमिलीज़ जो यहाँ की होंगी, जो यहाँ पे जो सोसाइटी के लोग हैं वो लोग आएंगे, उनको नंबर दिया गया होगा कि आपकी फैमिली यहाँ पे बैठेगी, कुछ ऐसा ही है। तो अभी मैंने आपको कालीबाड़ी मंदिर का ये अभी पूजा दिखा दी है, पूजा शुरू नहीं हुई है, पहले ही हम लोग आ चुके हैं एक दिन पहले। बाकी ये 3 दिनों का त्यौहार ही है, तो इसीलिए एक दिन पहले आके बताया, ताकि आप लोग उन 3 दिनों को अच्छे से इन्जॉय करो। तो चलिए चलते हैं अभी नेक्स्ट डेस्टिनेशन पर। तो दोस्तों, आपको जहाँ जहाँ मैं लेके चलूँगा सभी जगहों की डिस्क्रिप्शन में आपको लोकेशंस मिल जाएगी, पूरी डिटेल मिल जाएगी, लिखा हुआ भी आप नीचे जाके देख सकते हैं। बाकी आपको मैं बता दूँ कि जहाँ आपके नियर बाई कहीं कुछ लगा हो, ऐसे पंडाल्स लगे हों, आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं, तो लोगों को आसानी हो जाएगी। बाकी मैं कोशिश करूंगा कि लास्ट में कुछ नाम आपको और भी बता दूं, जहां मैं नहीं भी पहुंच पाऊंगा, आप अगर वहां से हैं तो जाके देख सकते हैं। तो भाई, ये है को ऑपरेटिव ग्राउंड दुर्गा पूजा समिति। तो दोस्तों, को ऑपरेटिव ग्राउंड दुर्गा पूजा जो समिति है, यहाँ की खास बात एक ये है कि यहाँ पे आपको खाने के जो वैरायटीज मिलेंगे ना, वो बहुत सारे मिल जाएंगे। देखो, स्टॉल्स देख रहे होगे, बहुत सारी वैरायटी के स्टॉल हैं, और खास करके यहाँ पे नॉन वेज में भी आपको आइटम मिल जाते हैं, फ़िश वगैरह और चिकन वगैरह भी मिल जाता है, और बहुत सारे और भी जो यहाँ पे स्टॉल्स लगे हुए हैं, जिनमें खाने के बता दिया ना कि वैरायटीज़ बहुत सारी हैं। जैसे नॉर्मल आप वेज खाना चाहते हैं, तो वेज वालों के लिए भी ये रहा, काफ़ी कुछ है। तो मुझे ये जगह अच्छी लगी, बाकी जो पूजा करते हैं वो नॉन वेज नहीं खाते हैं।
माता की मूर्ति कहाँ है? अच्छा इधर है, सॉरी सॉरी मैंने कहा मूर्ति गायब हो गई सामने से। तो यहाँ पे जो फेस्टिवल मतलब त्यौहार होने वाले ना, जो जैसे डांस कॉम्पिटिशन बाकी कॉम्पिटिशन, तो वो सारे के सारे यहाँ होंगे, पूजा यहाँ होगी। हाँ सिंगर्स भी आते हैं तो वो सब देखेंगे। और कुछ ऐसा है यहाँ का 360 व्यू। तो चलिए बढ़िया था, इस वाले में फिलहाल इतना ही क्योंकि अभी लगा नहीं है। आप लोग जब आओगे तब आपको बहुत सारे जो कल्चरल प्रोग्राम होंगे बाकी की चीज़ें होंगे सब कुछ देखने को मिलेगा। और अभी फेस भी कवर है, फिर भी मैंने आपको चल के दिखा दिया है, वो आपने दर्शन कर ही लिए हैं, बट जब आप आएंगे तो फेस जो अनकवर्ड कर दिया जाएगा, फिर आप देखेंगे तो ज़्यादा आपको भव्य और अच्छी सी वाइब आएगी। तो भाई दुर्गा उत्सव ग्रेटर कैलाश पार्ट टू में आ गए हैं और यहाँ पे देख रहे होगे आप लोग सेम सब कुछ है, पूजा का डेट तारीख तो सेम ही रहेगा, बाकी ये वाला थोड़ा सा अलग होने वाला है, येलो कलर में बनाया गया है ना, ये के थीम यहाँ की येलो येलो है, येलो येलो। बाकी यहाँ पे स्टॉल सभी लगे रहे हैं, स्टेज यहाँ का काफ़ी बड़ा है, ये वाला मैं सोच रहा था कि छोटा है, मगर ये भाई और भी भव्य होने वाला है, बस इसकी तैयारी नहीं हो पाई है, जबकि मैं एक दिन पहले आ रहा हूँ, कल ही स्टार्ट होना है पूजा सुबह से ही, और अभी ये लोग तैयारी कर रहे हैं, मतलब पूजा वाला सेक्शन तो तैयार है, ये वाला जहाँ पे माता जी की मूर्ति रखी गई है, बाकी का एरिया जहाँ शॉप्स वगैरह हैं, बाकी जो यहाँ पे डेली जो फंक्शंस होने वाले हैं, डांस वगैरह करते हैं, जो स्टेज होता है, जो मतलब फंक्शंस के स्टेज होते हैं, वो अभी रेडी नहीं हो पाया था। बाकी देख लो कुछ ऐसे ही है, बहुत सारे स्टॉल्स होंगे, मतलब ये जगह भी काफ़ी बढ़िया होने वाली है, तो आप यहाँ पे भी आ सकते हो। एड्रेस और लोकेशन डायरेक्ट आपको डिस्क्रिप्शन में सभी जगहों की मिल जाएगी, तो चिंता की कोई बात नहीं है, बस आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखो और एक बार जय दुर्गा माता की कमेंट कर देना भाई। तो भाई डिस्क्रिप्शन में मैंने सबके एड्रेस और डिस्क्रिप्शन में सभी के लिंक्स दे रखे हैं, मतलब गूगल मैप के, वो आप देख लेना, बाकी एक बार कमेंट में जय दुर्गा माँ जरूर लिख देना। यहाँ पे किसी ने स्केच बनाया है या पेंटिंग है? पेंटिंग ऑनलाइन मतलब ऐसे डाउनलोड करके लगा दिया है, बहुत सुंदर बनाया गया है, जिसने भी बनाया होगा बधाइयों का पात्र है। और बाकी ये जगह फिर से बता देता हूँ कि भाई बहुत सुंदर, बहुत बड़ी और पूरी कलकत्ता वाली वाइब यहाँ पे आपको आने वाली है। अभी तैयार नहीं हुआ है, जैसा भी हुआ था आपको दिखा दिया मैंने। ये सार्वजनिक दुर्गा उत्सव का है पंडाल, छोटा सा लगा हुआ है अंदर, कम्युनिटी हॉल में है, उस तरफ तैयारी भी चल रही है, आपको दिखाता हूँ। ये देखो अभी प्रैक्टिस चल रही है, अभी डांस वगैरह यहाँ पे भी होगा, चल के वो उस तरफ भी दिखाऊंगा, फिलहाल यहाँ का दिखा देता हूँ। कुछ ऐसा है अंदर का हॉल, अभी फ़िलहाल तैयारी ही चल रही है, अभी बना रहे हैं, देखो ये लोग बैठ के चीज़ें चिपका रहे हैं, बना रहे हैं। तो अब यहाँ के जो इवेंट्स होने वाले हैं, प्रोग्राम्स, कल्चरल प्रोग्राम्स, उनकी डेट और तारीख और दिन समय सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है, आप लोग अपने हिसाब से देख लेना, जब आप आ रहे हो तो आपके टाइमिंग पे यहाँ पर क्या होने वाला है, पूरा का पूरा आपको फंक्शंस दिखा दे रहा हूँ। तो ये इन्होंने लिखा हुआ है और ये देखो ये यहाँ का एड्रेस है जहाँ पर आपको आना है, बाकी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको, सब बता दिया, सब दिखा दिया, सामने फिर से एक बार दिखा देता हूँ आपको। वाह बहुत सही। तो दोस्तों अब आ गया हूँ मेला ग्राउंड का दुर्गा पूजा दिखाने के लिए और यहाँ के फंक्शंस आपको मेरे पीछे देखने को मिल रहे होंगे, दिखा दो ऊपर से। देखो यहाँ पे आपको ये 49वां सेलिब्रेशन है यहाँ पे दुर्गा पूजा का, मेला ग्राउंड का यहाँ पे जो फंक्शंस होने वाले हैं वो फंक्शंस की डिटेल यहाँ पे दी हुई है, आप लोग अपने टाइम के हिसाब से फंक्शंस मैच करवा के यहाँ पे आ सकते हैं मेला ग्राउंड के फंक्शंस देखने। और ये यहाँ का सबसे भव्य यानी पूरे सीआर पार्क का सबसे भव्य यहाँ पे दुर्गा पूजा होती है, वो देखने आप लोग आ सकते हैं। तो चलिए दिखाता हूँ क्या कुछ कैसा रहने वाला है। यहाँ पे सामने अभी जो ढका हुआ है ये है मेन माता की जो मूर्ति लगाई गई है, बाकी का एरिया दिखा देता हूँ आपको क्या कैसा कुछ है, मगर सबसे अल्टीमेट सबसे बड़ा मुझे यहाँ देखने को मिला है। और ये है मेन ग्राउंड वाला एरिया जहाँ पर मेन फंक्शन होने वाले हैं कल्चरल प्रोग्राम्स, तो ये है मेन जगह, कल्चरल प्रोग्राम्स यहाँ होंगे, कुछ ऐसा यहाँ पे स्टेज लगाया गया है। और इस जगह पे आपको खाने पीने के प्राइस देखने को मिल रहे होंगे, 100-150 रुपए तो एकदम आम है, गोलगप्पे 60 के 4 मिल रहे हैं, मैं गेस कर रहा हूँ 60 के 4 होंगे। बाकी यहाँ देखो मोदी जी की चाट भी मिल रही है, क्या लिट्टी चोखा, मोदी जी का लिट्टी चोखा, क्या बात है। तो भाई नेक्स्ट जगह आ चुके हैं हम लोग सीआर पार्क के अंदर ही, चितरंजन पार्क दुर्गा पूजा समिति इस जगह का नाम है। और यहाँ पर बहुत ही यूनिक मतलब मिट्टी से जैसे बना हुआ है, पूरा गोबर से लिपाई हो रखी है कुछ इस तरीके से, बहुत ही ऐसा देसी पन सा फील दे रहा है ये जगह, तो बहुत ही यूनिक है।
ये जगह चल के देखते हैं अंदर कैसा है यहाँ का पांडाल और यहाँ पे क्या कुछ तैयारियाँ हो रखी हैं वो दिखाता हूँ। बाकी आप लोग आएंगे तो अच्छे से देख पाएंगे। बाकी मैंने यहाँ सीआर पार्क में काफ़ी जो बड़े बड़े पांडाल थे ना उन सभी को घुमा दिया है, दिखा दिया आपको। छोटे मोटे यहाँ पे बहुत सारे मिल जाएंगे, मतलब मुझे तो दिख रहा है कि हर घर में या हर मोहल्ले में एक दो यहाँ पे दुर्गा पूजा पांडाल लगे हुए हैं। तो आप लोग आएंगे तो आपको कोई कमी नहीं होने वाली है। अगर कहीं ज़्यादा भीड़ है तो आप दूसरी जगह चले जाओ, वहाँ नहीं मज़ा आया तो तीसरी जगह चले जाओ। तो इस तरीके से यहाँ पर पूरे सीआर पार्क में मेला का माहौल होता है और ऐसे दुर्गा पूजा पांडाल आपको बहुत सारे मिल जाएंगे। तो चलिए फिलहाल चित्तरंजन पार्क का ये मेला यानी ये पांडाल देखते हैं कैसा है। रे रो तो भाई ये कलर है काफ़ी डिफरेंट है मगर काफ़ी अच्छा लग रहा है। इस पर देखो शंकर भगवान जी बनाए गए हैं, ऊपर एक राक्षस बनाया गया है और ऐसा कुछ यहाँ पे बहुत ही यूनिक अलग कलर में अलग डिज़ाइन में बनाया गया। तो चलिए पास से चल के देखते हैं, अभी तैयारियाँ चल ही रही हैं। वाह अंदर से तो गोल्डन लग रहा है यार ये। फिलहाल मूर्ति को कवर किया गया है फेस को, ये कल रिवील होगा, पूजा होगी जब। तो आप लोग आना, बहुत सही समय है, मैंने आपको बहुत सही समय पर दिखाया है। आप अपने हिसाब से देख लेना, टाइम डेट वगैरह सब कुछ बताया है मैंने। लगी हुई है और साथ में यहाँ पे कल्चरल प्रोग्राम वाला स्टेज है जहाँ पे कल्चरल प्रोग्राम देखने को मिलेगा और ये वाला भी काफ़ी बड़ा है, काफ़ी बड़ा है। और इस तरफ भी भाई एक स्टेज लगा हुआ है। अच्छा यहाँ खाने पीने के स्टॉल्स हैं और बाकी यहाँ पे लोग बैठ सकते हैं, कुछ ऐसा ही है, खाने पीने वाली जगह देखने को मिल रही है और काफ़ी सुंदर सजाया भी गया, देखना बड़ी जगह ही है। तो दोस्तों अब आ चुके हैं मैत्री मंदिर सफदरजंग एनक्लेव में, जो कि नज़दीकी मेट्रो है यहाँ का आरकेपुरम, और आरकेपुरम से यहाँ पे आ सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत है ये पांडाल और बहुत ही भव्य है, वो तो देखने को मिल ही रहा होगा। देखो कितना बढ़िया यहाँ पे स्कैंडलर, मतलब वो झूमर वगैरह लगे हुए हैं। बाकी माता की मूर्ति वगैरह मैं आपको दिखा देता हूँ अभी भी कैसी लगी है। लग रहा है ना बहुत सुंदर लग रहा है, काफ़ी अच्छा सजाया गया है। और ये मंदिर के अंदर का पार्ट है, कहाँ है पांडाल, अच्छा सामने रखा हुआ है। चलो दिखाता हूँ आपको, माता की मूर्ति भी दिखा देता हूँ। बाकी ये स्टेज है, यहाँ पे भी प्रोग्राम होगा, अलग अलग प्रोग्राम्स की टाइमिंग वगैरह अभी चेक करके बता देता हूँ क्या रहेगी। अभी फिलहाल तैयारी चल रही है, एक दिन पहले मैं आ गया हूँ यहाँ पे, नज़दीकी मेट्रो आपको बता ही दिया है। तो ये जगह काफ़ी यूनिक और अच्छी जगह है, मतलब यहाँ पे क्लास सब कुछ देखने को मिलेगा, बहुत ही एलिगेंट सजाया गया है। तो चीज़ें अच्छी हैं, तो आप भी आओ यहाँ पे एंजॉय करो। डिस्क्रिप्शन में डिटेल फिर से बता दे रहा हूँ, बाकी आपको कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो। आपको मैंने सीआर पार्क दिखा दिया है, ये जगह दिखा दी है, दो चार जगह मैं आपको और भी बता देता हूँ, तो आप वहाँ पे भी जा सकते हो। तो अब मैं आपको बता देता हूँ दिल्ली में कहाँ कहाँ पे आप लोग दुर्गा पूजा देखने जा सकते हैं। तो सबसे पहली जगह कश्मीरी गेट है, कश्मीरी गेट के पास में है अलीपुर रोड पर बंगाली सीनियर सेकेंडरी स्कूल, वहाँ पर होती है दुर्गा पूजा, तो आप जा सकते हैं। दूसरा है कालीबाड़ी मयूर विहार फेज़ वन में, तो कालीबाड़ी मंदिर है वो आपको मिल जाएगा, सबकी लोकेशन मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहाँ पर भी जा सकते हैं मयूर विहार में। तीसरा है अपना मिंटो रोड पूजा समिति पे एक मंदिर है, वहाँ पर आप जा सकते हैं। अगला है अपना तिमारपुर सिविल लाइन की पूजा समिति है, वहाँ पर भी यहाँ पे दुर्गा पूजा देखने को मिलेगी तिमारपुर में, आप लोग वहाँ जा सकते हैं। आलमबाग दुर्गा पूजा समिति है, आलमबाग का यहाँ पे भी दुर्गा पूजा देख सकते हैं, नज़दीकी मेट्रो यहाँ का होगा आर के आश्रम। अंतरंगा दुर्गा पूजा मयूर विहार में ही है, यहाँ पर भी आपको दुर्गा पूजा देखने को मिलेगा, नज़दीकी मेट्रो मयूर विहार फेज़ वन ही है। अगला है सुशांत लोक मार्ग, ये गुरुग्राम में पड़ता है और यहाँ का नज़दीकी मेट्रो इफ्को चौक होने वाला है, यहाँ से भी आप दुर्गा पूजा देखने जा सकते हैं। मिलानी पूजा कमेटी मयूर विहार फेज़ वन में, यानी मयूर विहार में भी काफ़ी ज़्यादा आपको दुर्गा पूजा पंडाल देखने को मिलेंगे और मैंने बता ही दिया है। बाकी आपके नियर बाय अगर कोई और भी दुर्गा पूजा हो रही है और काफ़ी भव्य हो रही है तो आप लोग कमेंट में बता देना, बाकी लोग वहाँ से देखकर विजिट कर लेंगे। तो कोशिश करना कि नज़दीकी मेट्रो भी बता दो ताकि लोगों को पहुँचने में आसानी हो। बाकी मयूर विहार, चित्तरंजन पार्क, ये दो ऐसे गढ़ हैं जहाँ पे आपको दुर्गा पूजा के सबसे ज़्यादा पंडाल देखने को मिलेंगे। तो चलिए इस वीडियो के लिए इतना ही रहा, उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। फिर आपके लिए ऐसी मज़ेदार दिल्ली की घूमने वाली जगह मैं दिखाता रहता हूँ। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, देखते रहिए इसी दिल्ली ब्लॉग। बाय बाय।